अच्छा अच्छा जबान खींच लो, लो लो मारो मुझे मारो, बस अब यही कसर बाकी रह गई कि तुम मुझ पे हाथ उठाओ है? किसी भी सूरत अपना बच्चा जाया नहीं करूंगी। आप क्या कहना चाह रही हैं कि हम वहाँ से रिश्ता खत्म कर दें? तुम बाज नहीं होगी अपनी हरकतों से? बस अम्मा ने पटिया पढ़ा के भेज दिया और यहाँ आ गए हम पर बमबारी करने के लिए। तुम्हारी धौंस में नहीं आने वाली अब, मैंने बता दिया तुमको। अच्छा देखा नहीं तुमने अपनी आंखों से है? जब अस्मा पे बात आई तो अदालत बर्खास्त। वैसे तो बड़ी भी मुझसे बड़े सवाल जवाब कर रही थी। उस वक्त अब्बू आ गए थे, अम्मी ने बिल्कुल ठीक किया। अगर अब्बू देख लेते ना और गुस्से होते। अरे किस बात का गुस्सा करते, काहे का गुस्सा करते हैं? किया क्या है मैंने? मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं क्यों डरूं फिर? देखो भाई, जब मेरा कसूर था ना, मैंने माफ़ी मांग ली थी तुम्हारी अम्मा से, लेकिन अब मेरा कसूर नहीं है, तो फिर जिसका कसूर है ना उसको बुलाओ, और अगर तुम अपने असल के हो ना तो बोलो वासिफ को कि मुझसे माफ़ी मांगे। बस ये बात है ना, अपने भाई से क्या करो, समझ गई? अब एक लफ्ज़ ही बोलो ना तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी। अच्छा अच्छा जबान खींच लो, लो लो मारो मुझे मारो, बस अब यही कसर बाकी रह गई कि तुम मुझ पे हाथ उठाओ है? अरे कब अकल आएगी तुम्हें? तुम्हारी बीवी को कोई कुछ भी बोल देता है और तुम चुप करके खड़े सुनते रहते हो, और तुम्हारा भाई क्या कुछ नहीं बोल दिया उसने मुझे है? तुमसे एक लफ्ज नहीं बोला गया उसको? चलो मैं मानती हूँ कि तुम्हारी माँ बड़ी है, वो कुछ ना कुछ कहती रहती है मुझे, उसकी मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन अब तुम्हारे छोटे भाई भी मुझे पलट पलट कर जवाब देंगे और मैं चुप करके खड़ी सुनती रहूंगी, वो ना बोल दूंगी उनका मैं। जब तुम उसकी बीवी को मनूस बोलोगी तो जवाब तो देगा ना वो तुम्हें? हाँ तो तुम कुछ उससे सबक ले लो, उसकी बीवी को मनहूस कहा तो उसकी आग लग गई, और तुम्हारी बीवी को पता नहीं क्या क्या कहते रहते, लेकिन तुम पर तो कोई असर ही नहीं होता है। मैं बता रही हूँ तुम्हें, अगर वासिफ ने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी ना तो बहुत बड़ा हंगामा होगा इस घर में, उसका जीना हराम कर दूंगी मैं यहाँ पे। हाँ बता दिया मैंने। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। हाँ तो मत बोलो ना, मत बोलो, तुम अपनी माँ की जुबान बोलते हो, यही सिखाया तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो किसी को नहीं बताना चाहती थी अभी, मुझे नसीर के गुस्से से बहुत डर लगता है, शाज़ेब भी अपने बाप से डरने लगा है अभी, उसके दिल में उनके लिए नफरत पैदा हो रही है, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अपने बाप से नफरत करे। मैं तो जो सह रही हूँ वो सहती रहूंगी, लेकिन मैं किसी भी सूरत अपना बच्चा जाया नहीं करूंगी अभी। किसी की मजाल नहीं है कि कोई जबरदस्ती तुमसे ऐसा करवाए। आप कसीर से कुछ मत कहिए, वरना खामखा घर में फिर से लड़ाई होगी। मुझे तो डर है अस्मा भाभी अम्मू को ना बता दे जाके। अम्मी मैंने उसे कॉल ही नहीं किया, हमेशा मैं ही क्यों पहल करूं बात करने में, वो भी तो कभी पहल करे ना। फरत मैं तुम्हें लेकर बहुत कंसर्न हूँ, और तुम्हारे अब्बू इस बात को बिल्कुल नॉर्मल ले रहे हैं। मुझे रह रहे कि अजरा की बातें याद आ रही हैं। हम वहां 30 से 40 मिनट बैठे हैं, इतनी देर में मेरा उसकी बातों ने खून खोला दिया, और तुमने तो वहां दिन रात रहना है। अम्मी आप क्या कहना चाह रही हैं कि हम वहां से रिश्ता खत्म कर दें? तुम एक दफा वासिफ से बात कर लो, देखो वो क्या कहता है, फिर सोचते हैं। अम्मी वासिफ बहुत अच्छा लड़का है। बेटा जितनी दूर मैं देख सकती हूँ तुम नहीं देख सकती, ये वक्ती जज्बाती लगाव दायमी घाव ना बन जाए। कड़ी सुन रही होगी, इसे तो लड़ने के लिए कोई ना कोई चाहिए, कोई नहीं मिलेगा ना तो हवा से लड़ने लगेगी। अरे हाँ भाई, तू सच में यहाँ खड़ी होकर छुप कर हमारी बातें सुन रही है? शहनाज मैं तो तुम्हें बता नहीं सकती, इसने तो मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। कल तो मैंने जिस तरह घर संभाला है ये तो मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह। तुम्हारे भाई ने तो साफ लफ्जों में कह दिया कि इन दोनों को अलग कर दो। क्यों, ऐसा क्या हो गया था? वासिफ के सास ससुर आए हुए थे, इसे तो जैसे मौका मिल गया रंग में भंग डालने का, तुम्हें तो पता है ना इसका। अरे बाजी मेहमानों को तो नहीं कुछ सुना दिया इसने? इसने तो पूरी कोशिश की तमाशा लगाने की, अस्मा को बातें सुनाई कि वासिफ के ससुराल वाले सड़े हुए फ्रूट लाए हैं, फिर कहने लगी वासिफ की होने वाली बीवी मनहूस है। उसे हद करती है ये। ना जमाल भाई ने कुछ नहीं कहा इसे? जमाल था ही नहीं घर पे, और वो होता तो ये उसका भी लिहाज ना करती। हेलो, मैं तुम्हें कल रात से कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा नंबर कहाँ बिजी था? मुझे कॉल कर रही हूँ कब? तकरीबन 12:30 बजे तक मैंने तुम्हें कॉल की थी।
ओ अच्छा। ओ अच्छा क्या मतलब है? तुम किससे बात कर रहे थे? वो मैं बात नहीं कर रहा था, वो वलीद बात कर रहा था समन से। तुम्हारे नंबर पर क्यों झूठ बोल रहे हो मुझसे? मैं क्यों झूठ बोलूंगा, वो असल में एक्सीडेंट के वक्त वलीद का फोन खो गया था तो समन ने मुझे कॉल की। कॉल रिकॉर्ड दिखाऊं क्या?